सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में खबर आई कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में बिजली चोरी करने के आरोप में मस्जिद और मदरसों को एडवाइजरी भेजी गई है। एडवाइजरी में इन्हें एक हफ्ते के अंदर बिजली का कनेक्शन लेने के लिए कहा गया। लाइव हिंदुस्तान ने एक रिपोर्ट में 400 से ज्यादा मस्जिदों और मदरसों में बिना कनेक्शन के बिजली इस्तेमाल करने की बात लिखी है। आर्टिकल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिस्म सिंह तोमर के हवाले से लिखा है कि शहर में करीब 400 मस्जिदों और मदरसों में बिजली का कनेक्शन नहीं है और अगर इन्होंने एक हफ्ते के भीतर कनेक्शन नहीं लिया तो इनके खिलाफ बिजली चोरी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लाइव हिंदुस्तान की इस दूसरी रिपोर्ट में भी यही दावा किया गया है। वहीं नवभारत टाइम्स ने भी इस आर्टिकल में यही दावा किया। आरएसएस की मुखपत्रिका पांचजन्य भी ये दावा करने वालों की लिस्ट में शामिल है। तो क्या वाकई में बिजली चोरी के आरोप में सिर्फ 400 मस्जिद और मदरसों को ही एडवाइजरी भेजी गई? इस दावे की तह तक जाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने गूगल पर सर्च किया। हमें द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट मिली। इस आर्टिकल में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में 59 मंदिरों और 115 मस्जिदों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए कहा गया। ये आर्टिकल लिखने वाले जर्नलिस्ट अरविंद चौहान ने ट्वीट करते हुए लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट को भ्रामक बताया था। ज्यादा जानकारी जुटाने के मकसद से ऑल्ट न्यूज ने रामपुर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जोनल सेक्रेटरी विशाल मलिक से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि बिजली का इस्तेमाल बिना कनेक्शन लिए करने वाले सभी धार्मिक स्थलों को एडवाइजरी जारी कर एक हफ्ते के अंदर कनेक्शन लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें मंदिर और मस्जिद दोनों शामिल है। यहाँ गौर करें कि विभाग ने सिर्फ मस्जिदों को बिजली कनेक्शन के लिए एडवाइजरी जारी नहीं की थी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिस्म सिंह तोमर ने स्थानीय पत्रकारों को ये टेक्स्ट मैसेज भेजा था जिसमें ये लिस्ट भी शामिल है। इस लिस्ट में 59 मंदिर और 115 मस्जिद के बारे में बताया गया है। विशाल मलिक ने ऑल्ट न्यूज को ये दोनों मैसेज फॉरवर्ड किए थे। ध्यान दें कि ये टेक्स्ट पूरी तरह से भ्रामक है क्योंकि इसमें मस्जिद, मदरसा, मौलवी और मस्जिद के केयरटेकर का जिक्र तो है लेकिन कहीं भी मंदिर और पुजारी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन पूरे लिस्ट में बिजली का उपयोग बिना कनेक्शन करने वालों में मंदिर भी शामिल है। तो फिर असल में ये 400 का आंकड़ा कहां से आया? बिस्म सिंह तोमर ने हमें बताया कि मंदिर और मस्जिद दोनों को एडवाइजरी जारी की गई है। 400 मस्जिद और मदरसे के बारे में पूछने पर बिस्म सिंह तोमर ने कहा कि उनके पास बस एक थाने की लिस्ट है जिसे उन्होंने पत्रकारों को भेजा था। इस लिस्ट में 59 मंदिर और 115 मस्जिद के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि कुल 4 थानों को मिलाकर उन्होंने अनुमान के तौर पर कहा था कि 400 से ज्यादा मस्जिदों और मदरसों में चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किसी को नोटिस नहीं दी गई है बल्कि एक एडवाइजरी जारी की गई है। यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिस्म सिंह तोमर ने अनुमान के तौर पर ये भ्रामक दावा कर दिया कि 400 से ज्यादा मस्जिदों को चोरी की बिजली इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी किया गया जबकि असली लिस्ट में मंदिर और मस्जिद दोनों शामिल है। लाइव हिंदुस्तान समेत अन्य मीडिया संगठनों ने भी बिना जाँच किए ये भ्रामक दावा खबर के तौर पर चला दिया।